सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस सीरीज। सो जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी एरे को रिवर्स कैसे करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा प्राइम नंबर कि नंबर प्राइम है कि नहीं, सेकंड वीडियो में हमने देखा कि अगर कोई नंबर दे तो उससे नीचे की सीरीज कैसे प्रिंट कराते हैं, ठीक है। थर्ड वीडियो में हमने किया कि फिबोनाची की सीरीज कैसे प्रिंट कराते हैं। ये फोर्थ प्रोग्राम है जो मोस्ट कॉमनली इंटरव्यूज में पूछा ही जाता है कि किसी एरे को रिवर्स कैसे करेंगे। तो कई स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे कि फोर्थ पेपर से जावा में रिवर्स का फंक्शन होता है, जावास्क्रिप्ट में भी होता है, तो वो रिवर्स का फंक्शन लगा देंगे और रिवर्स कर देंगे एरे को, जो सही वे नहीं है, ठीक है। हमें इसको लॉजिकल तरीके से करना है ताकि इंटरव्यू को पता लगे कि हाँ भी हमें बेसिक्स हमारा जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर हम ये दिखा पाएंगे इंटरव्यू को तभी उसको समझ आएगा कि हाँ भी ये स्टूडेंट है जिसको मतलब हम रखेंगे कंपनी में तो उस कंपनी का कुछ बेनिफिट होगा। तो अब बोर्ड पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमने ये प्रोग्राम करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने एक एरे दे दिया इंटरव्यूअर ने, लेट्स सपोज द गिवन एरे इज 1 2 3 4 5, ओके, इट कैन बी फाइंड, बट हम 5 तो ले रहे हैं, ठीक है। तो एरे के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा लॉजिकल समझेंगे क्वेश्चन कैसे करना है। हमारा मेन टारगेट क्या है जो हमें अचीव करना है, वह है रिवर्स करना एरे, ओके। तो आउटपुट क्या, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, 5 4 3 2 1। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें कोई रिवर्स का फंक्शन यूज नहीं करना, ठीक है। जो फंक्शन जावा में होते हैं या जावास्क्रिप्ट में भी होता है रिवर्स का फंक्शन, तो वो फंक्शन हमें यूज नहीं करने, ओके। उसके बिना कैसे करेंगे, एरे का हमें पता है कि एरे क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी एरे के एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 3, बहुत बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान रखना। एरे की पोजिशन कैसी होती है, एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, सभी को पता है कि एरे पोजिशन वाइज सेट होता है। एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सेम टाइप, ठीक है। कोई भी डेटा जो सेम टाइप का है, फॉर एग्जांपल नंबर टाइप का है, उसकी कलेक्शन होता है एरे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इसकी पोजीशन क्या होगी, 1 की, यहां की 1 की पोजीशन क्या होगी, 0, कि एरे की 0 पोजीशन पे क्या है, 1 है। एरे की 1 पोजीशन पे क्या है, 2 है। एरे की थर्ड पोजीशन पे क्या है, 3 है। तो एरे की पोजीशन हमेशा यहां से क्लियर होगा कि एरे की पोजीशन जो इंडेक्स होता है, एरे का इंडेक्स तो इजी होता है, बेसिकली होता क्या है, फॉर एग्जांपल अपना एक एरे है ये, ठीक है। अगर जैसे कि अब सी प्लस प्लस होगी, सी होगी या जावा होगी, उसमें हम एरे की लेंथ ऑलरेडी डिक्लेयर करते हैं कि ये एरे 5 लेंथ होगा, पर जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। वहां पर हम जैसे सी प्लस में शायद ऐसे करते हैं, फॉर एग्जांपल इनिट इन समथिंग एरे ऑफ 5, एरे से क्या होती है, लेंथ होती है, पर यहाँ पर लेंथ का कोई चक्कर नहीं है। हमने एक फोर्थ एग्जांपल लेके चल लिया कि 5 की लेंथ है, हम वो 5 को निगलेक्ट कर रहे हैं, इनके लिए सिंपल गिवन एरे इतना ही है। तो लेंथ 5 है तो क्या हुआ, ये एक हमारा कलेक्शन है, पहली पोजीशन सॉरी 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ठीक है। ये 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, ये 2, ये 3, ये 4, इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, ओके। तो सिंपली कह रहे हैं ऐसा होता है जिसमें सेम टाइप का। अब एक चीज सोचने वाली है, चलो ये नंबर थे, सेम टाइप का मतलब क्या है, नंबर थे, क्या यहाँ पर मैं कोई स्ट्रिंग रख सकता हूँ, सपोज करो मेरे को एक स्ट्रिंग रखनी है यहाँ पर, हाय रख सकता हूँ, नहीं सेम टाइप होनी चाहिए नंबर की। ये भी ड्रो बैक है कि भाई ये तो सिर्फ सेम ही टाइप लिखा है, यहां तक ठीक है। तो लॉजिक थोड़ा सा दिमाग में आपके आ रहा होगा, ठीक हेल्प करते हैं, ओके। कि हम सिंपली एक होल एरे लेंगे, एक ब्लैंक एरे रिवर्स नाम का, और क्या करेंगे, उसकी 0 पोजीशन पे, उसकी भी 1 पोजीशन होगी भाई, उसकी भी 2 पोजीशन होगी, ठीक है, उसकी 3 पोजीशन भी होगी, उसकी 4 पोजीशन भी होगी, किसी भी एरे, हमें क्या करेंगे, जो हमारे गिवन एरे है ये उसकी कितनी कौन सी पोजीशन है, 4th पोजीशन है। अगर हम 0 वाली पोजीशन में 4th पोजीशन रख रहे तो हम यहां पर सिंपलीफाई करेंगे वैल्यू, उस 4th पोजीशन की वैल्यू रख दें, 1 वाली पोजीशन में क्या रखना है,
थर्ड पोजीशन की वैल्यू। तो ऐसे करके हम रिवर्स कर सकते हैं, अभी प्रोग्राम बनाते हैं थोड़ा सा, थर्ड पोजीशन जाती हो जाएगी, सिंपली लूप लगेगा, लूप में लगेगा। अगर हम किसी तरीके से इनकी इंडेक्स गेट कर पाए, इंडेक्स क्या है पोजीशन, तो खेल बन सकता है। अगर हम इसके इंडेक्स बदल दें 0 1 2 3 4, ठीक है 0 1 2 3 4, ये ऐड कर सकते हैं। कैसे करते हैं, लूप लेट आई इज इक्वल टू 0 लेस देन आई लेस देन, जो हमारे गिवन एरे है इसको मैं गिवन एरे लिख देता हूँ, गिवन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस यहाँ कंसोल कराया। आई की वैल्यू ओके क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट टाइम 0 आ गया, फिर आई प्लस प्लस हो गया, आई वन बन गया ठीक है, 2 भी बन गया, 3 भी बन गया, 4 भी बन गया ठीक है। यहाँ पर क्या 4 लेस आई, लेंथ कितनी है इसकी 5 ओके, यहाँ तक चलेगा 5 लेस देन, ये 5 से चलेगा 4 तक नहीं चलेगा, तो 0 टू 4 तक चला, तो यहाँ तक आ गई पोजीशन, ये भी ठीक है। एक ब्लैंक एरे लेते हैं नेट रिवर्स, ओके ब्लैंक एरे लिया हमने। एरे की कोई एक खास बात बताऊंगा आपको बाद में, बट अभी यहाँ पर करते हैं अपना कंटिन्यू ठीक है, यहाँ देखिए। और अब अगर मैं रिवर्स के अंदर पुश कर दूं क्या, अभी पुश क्या होता है, पॉप क्या होता है, स्टैक पड़ा है नहीं है, स्टैक क्या होता है जैसे मैंने को कलेक्शन बनाई, वो मैंने को होता है ये एरे है, ये हमारा रिवर्स बनाया गया ठीक है। इसमें कोई वैल्यू पुश किया, पुश वन कर दिया, पुश एरे रिवर्स डॉट पुश किया, तो क्या होगा इसकी जीरो इंडेक्स वाली पोजीशन तो होगी ठीक है, हमने अभी लेंथ डिफाइन करी है, जावास्क्रिप्ट में मेरी उतनी पड़ती ब्रैकेट लिया। जब इसमें मैंने वन पुश कर दिया इसकी जीरो पुश करने के बाद क्या हो गया, दोबारा से लूप चलाया, फिर मैंने टू पुश कर दिया, तो ऐसे काम करता है। तो यहाँ तो ऑलरेडी मतलब 5 times 0 to 4 मतलब 5 times लूप चली, तो यहाँ पर अपना 2 डुप्लीट होता रहेगा ठीक है। तो पुश का मतलब आपको समझ आ गया होगा होपफुली कि रिवर्स किसी भी एरे में पुश कैसे करते हैं। क्लियर है फंडा, एरे है अपने पास ब्लैंक एरे, वैल्यू भी पता है क्या पुश करनी है, लास्ट फिल इंडेक्स उठा के वैल्यू पुश करनी है ठीक है। पर उससे पहले भी प्रोग्राम बनाने के लिए एक चीज करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को सिर्फ ये वैल्यू एक्सेस करनी है, क्या लिखूंगा मैं, सिर्फ 5 लिख सकता हूं मैं, गिवन एरे क्या लिखू, कौन सी पोजीशन है 0 1 2 3 4 पोजीशन, गिवन एरे 4 सिंपल कंसोल करूंगा तो क्या इसकी वैल्यू आएगी हमारी साहब 5। किसी भी एरे की वैल्यू कैसे हम गेट कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक पोजीशन की गिवन एरे स्क्वायर ब्रैकेट एंड उसके इंडेक्स की वैल्यू अपना 5 आंसर करना, ये वैल्यू ऐड करनी है तो क्या लिखेंगे 4 की जगह उसकी पोजीशन 1। तो पोजीशन भी एक्सेस कर सकते हैं और लाइन वाइज करनी है 1 2 3 4, इतना मैं पता लग गया ठीक है। तो हम किसी ना किसी तरीके से इनकी ये पोजीशन सेट कर सकते हैं 4 3 2 1 0, क्योंकि अगर हमारे पास ये पोजीशन आ जाती है इस सीरीज में, अगर इस सीरीज में हमारे पास पोजीशन आ सकती है तो हम उसी बेस पे हम उसकी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब फोर्थ पोजीशन क्या है, पोजीशन लगा लेता हूँ, अगर हमारे पास पोजीशन नंबर आ गई पोजीशन की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, मैं इसको जी के लिखता हूँ सिंपल जी के, अगर उसकी पोजीशन मैं यहाँ रखता हूँ ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा इसकी वैल्यू रिटर्न करेगा 5। तो अगर हम लूप में किसी ना किसी तरीके से अगर ये वैल्यू ला दें 4 3 2 1 0, तो हम वैल्यू इसी तरह पुश कर सकते हैं, तो हम लूप उल्टा जाएगा 4 3 1 0। अगर हम 4 लेके लग गए आई को 4 से स्टार्ट करें, यहाँ से लेंथ हटाऊंगा और डिक्रीज हो रहा है तो प्लस प्लस की जगह क्या आएगा,
माइनस माइनस। अब यहाँ क्या आएगा, कहाँ पर आके लूप स्टॉप करना है, जीरो पे, मतलब अगर आई तब तक भी चले, चाहे तो हमारा आई जीरो से बड़ा हो, जीरो भी चाहिए और इक्वल भी, ओके आई जीरो तब चलना चाहिए। वीडियो क्लियर है, एक बार इसको नोट कर लो, सही कर देते हैं, आई माइनस माइनस, हाँ तो ठीक है, बट यानी क्या है, फोर क्या है, फोर को लिया, फोर क्यों बनाया हमने, वो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि स्पैन की वैल्यू की लेंथ फाइव है, अगर सिक्स हो तो फिर फाइव से स्टार्ट करना पड़ता राइट, तो इसी को लाइन में तो करना पड़ेगा, जीरो तो ठीक है, जीरो पोजिशन तक तो पहुंचेगा ही रिवर्स में, पर इस चीज को लाइन में कौन करेगा, मैं ही करूँगा, फिर आपको मेरे को देखना है, ओके तो ये कहाँ क्या है, इस की लेंथ क्या है, इसको इस चीज को लेंथ क्या है, मैंने कहा फाइव है, इसे कि गिवन माइनस वन, इसका आंसर देने के लिए लेंथ है कितनी है, फाइव माइनस वन फोर, आई की वैल्यू ऑटोमेटिक फोर होगी, अब फोर्थ पोजीशन पे पहुंचिए, I greater than equal to zero, I जो हमारा पहले था वैसे ऐसी चीज है, ठीक है, अब यहाँ पर कंसोल करेंगे, धीरे धीरे चीजें समझ आती है, टेंशन मत लो, ऐसे ही कंसोल आई जाए तो क्या आपका 4 3 2 1 0 आएगा, ऑब्वियसली आएगा, फर्स्ट टाइम क्या है यहाँ पर अपना गिवन एरे लेंथ माइनस वन कितना फाइव माइनस वन फोर फोर आया, उसके बाद माइनस माइनस हुआ, ठीक है आई वैल्यू कम हुई थ्री आया, फिर टू आया, फिर वन आया, फिर जीरो भी आया क्योंकि इक्वल टू भी है राइट, पर उसके बाद और माइनस होने की कोशिश करेगा, जीरो से नीचे क्या होता है, माइनस माइनस वन क्यों नहीं आया भैया, देखो माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ट्रू थोड़ी है, ना तो माइनस वन इसके इक्वल है ना इससे ग्रेटर है, जीरो से बड़ा थोड़ी होता है माइनस वन, माइनस वन तो छोटा होता है, ठीक है, तो अपना लूप चल गया यहाँ पर 4 3 2 1 0 ओके, अब इतना ठीक है, यहाँ तक ठीक है, पोजीशन आ गई अपने पास, ओके अब अगर मैं कंसोल करता हूँ, अब इसकी वैल्यू दो मिनट का पॉज दूंगा, एक मिनट का पॉज दूंगा, अपनी जैसे करना है कंसोल में जाके आने वाला है, ठीक है, रिवर्स सो रिवर्स करो, गिवन है अब क्या आएगा कंसोल में, सोच लो जिसको कमेंट करना कमेंट कर सकते हो, बताओ कि अभी कंसोल लो गिवन है में क्या है, इतना तो पता नहीं है, फाइव में चलेगा कंसोल, ठीक है, फर्स्ट टाइम का एक वैल्यू क्या होगी, फोर ही गिवन है में, फोर इंडेक्स पे क्या बढ़ा, फाइव बढ़ा, फाइव प्रिंट होगा, फिर क्या आएगा, फोर प्रिंट होगा, फिर क्या प्रिंट होगा, थ्री प्रिंट होगा, टू प्रिंट होगा, लास्ट में जब हमारा आई जीरो बन जाएगा तो गिवन है जीरो पीछे मिल जाएगा, वन प्रिंट होगा, इसके बाद तो चलेगा नहीं, चलो भाई अब ये आउटपुट है अपने पास, पोजीशन कट करी, अब ये आउटपुट है अपने पास, अब ये आउटपुट होने के बाद क्या करेंगे, हमें पता है कि गिवन एरे को आई अगर निकाल देना हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं 5 4 3 2 1 ओके, पुश पॉप आपको बताया मैंने अभी, इसी एरे पुश कैसे करते हैं, वैल्यू आई अपने पास रिवर्स डॉट पुश, उसको इजी लिख देते हैं, रिवर्स डॉट पुश का एक फंक्शन है, वो बैक कर लेते हैं फंक्शन के आगे, रिवर्स डॉट पुश किया, ये हमने जो भी वैल्यू है रिवर्स में डाल दे रहे हैं, अब कोई कंसोल नहीं करा रही, ठीक है, रिवर्स में वैल्यू फर्स्ट टाइम पे क्या गई फाइव गई, ठीक है, आप अपना ये रिवर्स वाला आ गया, फर्स्ट टाइम पे वैल्यू क्या गई रिवर्स वाला आ फाइव गई, आई वैल्यू लेस देन, ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया थ्री आ गया, थ्री इंडेक्स में तो बड़ा फोर बड़ा, ठीक है, फिर क्या आ गया ऐसे ही करके भैया वैल्यू थ्री टू बाकी इतना है 1 2 3 4 5 हो गए रिवर्स, अब एरे का रिवर्स हो चुका है भाई, तो हमारी एरे की वैल्यू क्या होगी फाइव,
लास्ट इंडेक्स के साथ में एरे में फर्स्ट पोजीशन पे डाल दिया। कोई लेंथ डिक्लेयर नहीं करी हमने, स्टार्ट को जैसे सी में करते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, अगर करनी भी पड़ती तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी चलते हैं अपना लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहां देखते हैं कैसे करना है प्रोग्राम। ठीक है, थ्योरेटिकल हो चुका है, अभी करते हैं प्रैक्टिकल। ओके, यहाँ पर हमें इंटरव्यू ये कह रहे दे दिया, फॉर एग्जाम्पल क्यू एन एरेज, कोई वही जो इनपुट वगैरह निकल रहे हैं हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम हमेशा 4 5। ओके, और अब यहाँ पर हम लगाएंगे एक फंक्शन रिवर्स एल। इस फंक्शन को करते हैं यहाँ पर नीचे कॉल, ये अपना गिवन एरे पास कर दिया। फिर बेसिकली जैसे आप कोई कंपाइलर यूज करते हो तो आपको फंक्शन बना बनाया मिलता है, उसके अंदर हमें ये क्या बोलते हैं पैरम भी बनाया मिलता है कि हाँ भी कंपाइलर जब भी कोड कंपाइल करेगा तो वो कोई भी एरे अपनी तरफ से डाल सकता है, बट हम ये खुद ही क्रिएट कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक फंक्शन ही बनाना होता है मेनली किसी भी कंपाइलर के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करने हैं, रिवर्स इंडेक्स करने हैं, लेट आई इज इक्वल टू गिवन एरे लेंथ माइनस वन। इससे क्या गेट होगा, पोजीशन इस एरे की पोजीशन अगर लेंथ 5 है तो लेंथ माइनस वन कितना 4th पोजीशन आ गया अपने पास। कब तक चलेगा, जब तक भाई ये जीरो से बड़ा नहीं होता और जीरो को इक्वल नहीं होता तब तक चलेगा, मतलब i की वैल्यू अगर 0 है या 0 से बड़ी है तब चल सकती है, अदरवाइज नहीं। i क्या होगा, हमेशा माइनस 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 होएगा। पर ये कंसोल यहाँ पर वीडियो की लेंथ लंबी है मुझे पता है, बट सही से समझने के लिए टाइम लगता है। 4 3 2 1, अब पोजिशनिंग आ चुकी है इस एरे की, एक नया एरे ले लें। ओके, लेट रिवर्स ले लिया हमने ब्लैंक एरे। ओके, पुश पॉप को आपको मेरे पहले बताया है रिवर्स में, अब हम पुश करते हैं। सपोज मैं इसमें हाई पुश करता हूँ एक, ठीक है, और मैं लूप खत्म होते ही कंसोल कराता हूँ यहाँ पर लो, कंसोल में करवा दिया मैंने रिवर्स स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, रिवर्स देखो 5 times हाई है आ रहा है, तो जब भी हम कुछ डालते हैं इसके अंदर तो अपना वो प्रिंट करता रहता है, मतलब पुश करते हैं तो वो उसके स्टैक में ऐड होता रहता है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, आई पुश करना है। अगर आई पुश करते क्या होता है, 4 3 2 1, ये तो पोजीशन आ गई, बट हमें पोजीशन थोड़ी चाहिए भाई, हमें तो चाहिए वैल्यू। वैल्यू कैसे आती है, इस एरे की तो मैं इंडेक्स वाली पोजीशन देखूँ भी आएगा 5 4 3 2 1, क्या ये 5 4 3 2 1, भाई कुछ भी हो सकती है वैल्यू, ये देखो 11 यहाँ पर मैं कर देता हूँ कुछ भी, ठीक है, यहाँ कुछ रख देते हैं। आगे वैल्यू अपने आप, तो ये मैं सोचू कि वो सीरीज वाइज साइज करके चला था, नहीं, थोड़ा प्रोग्राम को समझो ध्यान से, थोड़ा दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देखो, जब तक समझ नहीं आता देखते रहो, एक टाइम आएगा जब आपको समझ आना शुरू होगा, एक एक लाइन को पकड़ो फिर आपको पता लगेगा क्या किया है प्रोग्राम। अगर नहीं समझ आ रहा, जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, जिनका बेसिक ठीक ठाक है, जिनको समझ आ रहा है वो अच्छी बात है, बट कई स्टूडेंट हैं जिनको प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना दूर का था पता ही नहीं, बहुत ऐसे मैं भी था एक टाइम पे ऐसे ही, फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैं पूछता था अपने फ्रेंड से प्रोग्रामिंग होता गया भाई बताओ तो सी प्रोग्राम है क्या और क्या फ़ायदा है इस प्रोग्राम का, पता लगेगा एक टाइम आएगा आपको दिखेगा कि हाँ भी ये प्रोग्राम का तो बहुत फ़ायदा था। चलो ठीक है, बस तो हम कर चुके हैं, बिल्कुल कुछ लेंथ भी बढ़ा के देख लेता हूँ एक बार एक एग्जाम्पल में 12 फिर 212 इसकी, ठीक है, 212 पहले नंबर पर आ गया। थ्योरेटिकल समझा चुका हूँ, प्रैक्टिकल ये है
वीडियो को जो भी ये मतलब आपको ये प्रोग्राम है जो लास्ट वीडियो में दिखाया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देखोगे, वहाँ पर मैंने सिंपल एक ब्लॉग बना रखा है, वहाँ पर ये सारे प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, समझाने के लिए आप ये वीडियो फॉलो कर सकते हो। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई फ्रेंड अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर करें, मतलब इंटरव्यू पूछेगा आपसे कि हाँ भाई रिवर्स कर दो, तो ऐसे ही रिवर्स करना है, कहीं उठा के ये मत कर देना कि गिवन एरर डॉट रिवर्स फंक्शन लगा दिया। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।